आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू के लिए लगने वाली सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, ये 250 ग्राम है, और ये 1.5 कटोरी शक्कर है, ये 200 ग्राम है, और ये 1 कटोरी घी है, ये 100 ग्राम है, और चुटकी भर नमक लगेगा, और छींटे मारने के लिए पानी लगेगा। अभी हम बेसन सेक लेते हैं। गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, अभी इसमें घी डालूंगी, आधा डालूंगी आधा बाद में डालूंगी। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, अभी हम बेसन डालेंगे। गैस धीमा करेंगे, धीमी आंच पर इसे अच्छे से सेक लेंगे, एक जैसे चलाते रहेंगे। इसे हम एक जैसे चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, धीमी आंच पर ही सेकना है। इसे करीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे सेकने में। थोड़ा सा घी और डालेंगे हम। अभी हम चुटकी भर नमक डालेंगे। बचा हुआ घी भी डाल देंगे हम। बेसन अच्छे से भुन चुका है, अभी हम इसमें पानी के छींटे लगाएंगे। देखिए पानी के छींटे लगाने से हमारा बेसन फूल चुका है। इससे हमारे लड्डू दानेदार बनेंगे। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए हम थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे। इसे 2 मिनट हमने गैस बंद करके अच्छे से चला लिया है। अभी हम इसे थाली में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा कुनकुना, फिर इसमें शक्कर मिलाएंगे। बेसन ठंडा हो चुका है, अभी हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। शक्कर और बेसन हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसके लड्डू बना लेते हैं।
छोटे बड़े जैसे भी चाहिए वैसे। इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये लड्डू बनाने में बहुत आसान होते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।